अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को इंग्लिश में देख सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यही वीडियो है। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा है अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे, सिर्फ हम पार्ट का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसके कुछ मुख्य बातें जो हैं वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देर के। और एक बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कुछ जान लेते हैं हम जो मुख्य बातें हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं, कौन सी प्राकृत संख्याएँ होती हैं। तो देखो बच्चों, इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि एक से स्टार्ट होती हैं। ठीक है बच्चों, 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ती जाएं। ठीक है, एक से लेकर आगे तक अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये होते हैं सारे प्राकृत संख्याएं। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें इसकी तरह प्राकृत संख्या की तरह एक से तो संख्या स्टार्ट होती ही है। ठीक है, एक से तो होती है, लेकिन एक से पहले अगर उसमें जीरो लग जाए तो फिर वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी पूर्ण संख्या होती है जो कि जीरो से स्टार्ट होती है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वे सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे तो इसमें आपको काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम, अगला है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक को सिर्फ हम पूर्णांक ही कहेंगे, इसमें संख्याओं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पूर्णांक को हम इंटीजर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं जिसमें प्राकृत और पूर्ण, पूर्ण संख्या यानी कि जीरो से जो स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, लेकिन इससे पहले माइनस में भी संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3 इस तरह भी बढ़ती जाए अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं, जो कि माइनस में भी हो और प्लस में भी हो। तो जीरो के इस साइड वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के इस साइड जितनी भी संख्याएं होती हैं बाएं तरफ, वो सारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जीरो जो होता है वो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम अगली संख्याएं जो कि है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों, देखेंगे जिन संख्याओं को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, और एक कंडीशन ये होता है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को अगर कोई संख्या संतुष्ट करता है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 3/5, 2/3, 7/2, इस तरह से कोई सी भी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, कितनी भी, जिसमें जो p बटा q के रूप में लिखी जाए लेकिन q जीरो के बराबर ना हो। तो ये सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, तो देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2 है, 2 क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अब 2/1 हो गया तो ये p बटा q के रूप में लिखा जा रहा है, और q 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 2/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से -2 क्या परिमेय संख्या है,
बिल्कुल है, क्योंकि माइनस दो के नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। तो ये हमने माइनस दो बटा एक लिख दिया, ये भी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, यानी कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने पढ़ लिए, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इन सभी को हमने जान लिया। अब एक और बात जान लेते हैं कि जैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, जैसे कि मान लीजिए एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। ये आपका उदाहरण दो है आपकी एनसीईआरटी बुक का, तो उसको आप देख लीजिएगा। एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या हमको लिखनी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? जैसे मान लीजिए एक और दो के बीच हमको लिखनी है, हम तो वैसे अनंत लिख सकते हैं, कई सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ पांच पूछा गया है तो इसलिए हमें पांच लिखना है। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए, एक हमें पांच पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उससे एक बढ़ा के, यानी कि पांच पूछा है तो हम क्या करेंगे कि पांच से एक बढ़ा के एक में गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखिए एक है तो उसमें पांच से एक ज्यादा क्या होगा, छः, तो छः से गुणा कर देंगे और नीचे भी छः, तो कितना आ जाएगा, एक गुणा छः, छः और नीचे छः है तो छः बटा छः हो गया। इसी तरह से हम दो का भी करेंगे, देखिए दो है तो दो को भी गुणा करेंगे छः से और नीचे भी छः, तो कितना आ जाएगा, दो गुणा छः यानी कि दो छः बारह बटा छः। तो छः बटा छः और बारह बटा छः के बीच अब हम क्या कर सकते हैं कि पांच परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, जो कि कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि सात बटा छः, आठ बटा छः, नौ बटा छः, दस बटा छः और ग्यारह बटा छः। तो इस तरह से पांच परिमेय संख्या हमने लिख लिए हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, देश का एक अच्छा नागरिक बनिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी सवाल आता है मन में, तो आप बिना किसी झिझक के आप कमेंट में हम मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन जरूर दबाइए। तो धन्यवाद बच्चों।